हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल की बैठक मंडी में हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विशेष रूप से उपस्थित और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा की। इस मौके पर प्रदेश व्यापार मंडल ने विभिन्न मांगे भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। व्यापारियों ने मंडी में अनाज मंडी की स्थापना किए जाने की मांग उठाई। इसके अलावा मार्केटिंग फीस में बदलाव की भी मांग की। व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि मार्केटिंग फीस से कुल सालाना आय 55 करोड़ कलेक्शन में 45 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जिसके चलते व्यापारी पलायन की सोच रहे हैं। मार्केटिंग फीस से इतना राजस्व नहीं आएगा जितना जीएसटी का नुकसान होगा। मार्केटिंग फीस से महंगाई बढ़ेगी। वही इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री ने व्यापार मंडल को आश्वस्त किया कि अधिकारियों के साथ मिलकर इस मामले से संबंधित चर्चा की जाएगी। वहीं हिमाचल व्यापार मंडल ने जीएसटी का सरलीकरण कर उसे कारोबारी फ्रेंडली बनाया जाने की मांग भी की, जिसके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जैसे जैसे जीएसटी से संबंधित सुझाव आते गए हैं, वैसे वैसे जीएसटी को सरल वितरित करने के प्रयास किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के समय में व्यापारियों ने लोगों को घर द्वार तक राशन पहुंचाने में मदद की है और कोरोना काल में व्यापारी वर्ग सरकार व प्रशासन के साथ खड़ा रहा है। घर से बाहर आकर के राशन नहीं ले सकते थे, सामान नहीं ले सकते थे, क्योंकि बाहर चलने की मनाही थी, बाहर जाने की मनाही थी। और हिमाचल प्रदेश में तो हमने और ज्यादा सख्ती की थी, हमने तो कोविड के उस लॉकडाउन के दौरान कर्फ्यू भी इम्पोज किया था, और ऐसी परिस्थिति में और भी ज्यादा कठिनाई थी। बहुत सारी जगह हमने इस बात के लिए आग्रह किया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में बैठ कर क्या हमारे व्यापार मंडल के लोग, व्यापारी लोग इस प्रकार से मदद कर सकते हैं कि वो होम डिलीवरी कर सकते। राशन तो परिवार वालों को चाहिए, परिवार वाला राशन लेने के लिए मार्केट में जा नहीं पा रहा था। ऐसी परिस्थिति में सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने लोकल व्यापार मंडल के साथ कोऑर्डिनेट किया और मैंने देखा कि एक व्यवस्था जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, हजारों की संख्या में जो होम डिस्ट्रीब्यूशन का जो है, होम डिलीवरी का जो एक मैकेनिज्म खड़ा कर दिया, राशन जिस घर में जरूरत है फोन करके उसके घर में पहुंच रहा है, और उसमें व्यापार होने का बहुत बड़ा फायदा। दो तीन विषयों को लेकर के आप लोगों ने बात की, मैं यही कहना चाहूंगा कि जीएसटी एक नया एक अनुभव इस देश के साथ है, मंशा इसके पीछे अच्छी है, वन नेशन वन टैक्स, इस तरह से एक प्रोविजन के तहत हम इस दिशा में आगे बढ़ करके काम करते हैं। लेकिन एक सिस्टम में हम व्यवस्थित ढंग से काम कर रहे थे तो स्वाभाविक रूप से जब कोई नया इनिशिएटिव लिया जाता है तो उसमें उस व्यवस्था से हट करके चलना थोड़ा कठिन भी होता है। और जिस प्रकार से यहाँ पर सुमेश जी ने कहा कि भैया 937 अमेंडमेंट से तक जीएसटी में हम इधर हो चुकी है, और स्वाभाविक रूप से हर जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है उसमें चीफ मिनिस्टर भी एक मेंबर होता है, हर जगह से जो सुझाव आते हैं उन सुझावों के माध्यम से जीएसटी के सिस्टम को हम सरल दिशा में आगे बढ़ाएं ताकि ये व्यवहारिक हो सके और इसको सरल बना करके हम आगे इसमें व्यापारियों का सहयोग लेकर के हम इस पर काम करें। उस दृष्टि से ये अमेंडमेंट्स किए गए, जैसे जैसे सुझाव आते गए वैसे वैसे जीएसटी में अमेंडमेंट्स होती गई, अमेंडमेंट होने के साथ साथ में जो है उसको सरल वितरण किया जा सकता था वो करने के प्रयास हुए हैं और ये आपके सामने है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस बात को लेकर कि अभी भी व्यापारियों के मन में है कि इसको सारे सिस्टम को मेंटेन करने में बहुत बड़ी मथापच्ची हुई है, बहुत बड़ी इसमें जो है व्यापारी व्यापार करे कि यार सारे सिस्टम के उस रिकॉर्ड को मेंटेन करे, उसको मेंटेन करने के साथ आपको जो है वो रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ती है, कितने दिन करनी पड़ती है, एक दिन हर महीने थोड़ी परेशानी भी है। लेकिन
लेकिन मैं समझता हूं कि धीरे धीरे सुधार कर, सुधार की दिशा में जहां हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें और सरलीकरण की संभावना अभी तक उन्होंने दिया मान्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमने इस बात को देखा कि हमेशा खुले मन से सारी चीजों को सुनते हैं और सुन करके जो किया जा सकता वो आपने लिखित रूप में भी दिया है। मार्केट फीस का जो आपका जिक्र है उसके संदर्भ में आपने अपना सुझाव दिए है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ जैसे आंकड़े दिए हैं कि लगभग 50 से 60 करोड़ की लगभग जो हमारी फीस टू मार्केट फीस को है इकट्ठा होती है, और ये भी बताया गया कि लगभग उसमें से 40 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हो जाता है, लाभ का हिस्सा बहुत कम बचता है। मेरे पास अभी तक एग्जैक्ट फिगर्स इसकी नहीं है क्योंकि मैं बिल्कुल इस सारी चीज को लेकर के कैलकुलेट करके नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं सारी चीज को देखूंगा। मैं ये आपके बीच में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक बार में इस सारी सारी सिचुएशन को इसमें सरल कैसे किया जा सकता है, जो आप लोगों का कहना है इस मार्केट फी के संदर्भ में उसमें राह देने का रास्ता क्या हो सकता है, इसके लिए मैं अधिकारियों के साथ सारी डिटेल में मीटिंग करके जो भी इसमें जो बन पाएगा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मदद करने की मंशा हमारी निश्चित रूप से।